एक संत के पास एक गृहस्थी गया और कहता महाराज आप तो बड़े त्यागी हो, आप तो बड़े त्यागी हो। अब संत ढोंग धतूर लो से दूर रहता है। उसने कहा कि अरे संत महाराज आप बड़े त्यागी हो। महाराज घबरा गए, खाओ भैया ठीक है, एक बार कह दे दो बार कह दे, तूने तो राम रट्टो रख लियो, बंदी नहीं हो रहा तू तो, कि आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो। तो संत ने कहा कि महाराज आप और बड़े त्यागी। उसने कहा कि अरे मैं कैसे त्यागी, मैं तो गृहस्थी हूं, मेरा तो परिवार है, मैं कैसे त्यागी हूं। तो संत कहते कि मैं कैसे त्यागी हूं। तो व्यक्ति कहता है कि महाराज आपने भगवान के लिए इतने सुंदर दुनिया छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो आप त्यागी हो। तो उन्होंने कहा कि आप महात्यागी हो। बोले मैं महात्यागी कैसे? बोले अच्छा एक बात बताओ, भगवान अनमोल है कि दुनिया अनमोल है? उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान अनमोल है। तो कहा मैं त्यागी क्योंकि मैंने भगवान के लिए दुनिया त्यागी, पर तू महात्यागी कि तूने दुनिया के लिए भगवान को त्याग दिया। आज हम दुनिया के लिए भगवान को त्याग कर बैठे हैं, क्यों? क्या देगी? जिस बेटे से हम इतना प्रेम करते हैं, शमशान में जाकर वही ठप्पी मारेगा सिर पे। जिस धन के लिए हम जिन जीवन पर्यंत मेहनत करते हैं, महाराज तिजोरी में से भी नहीं निकलेगा। जिस पत्नी के लिए हम दहली से बाहर नहीं जाएगी, जिस भाई बंधु के लिए हम मरने मारने को लिए तैयार हो जाते हैं, शमशान में कंकड़ पत्थर की तरह छोड़कर आपको आ जाएंगे। आपके साथ क्या जाएगा? आपके साथ जाएगा राम का नाम, क्योंकि भगवान ही है। अच्छा कोई व्यक्ति जब भगवान के परम धाम को चला जाता है, तो अगर वो व्यक्ति अच्छा होता है तो लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति था, बेचारा चला गया। और कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे लड़ता रहता है, लोग क्या कहते हैं? अच्छा हुआ चला गया, सबसे लड़ता है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि जीवन पर्यंत कुछ नहीं जाएगा साथ में, जो अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा जो हम करेंगे वही साथ जाएगा। हम क्या कहेंगे? यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, गरीबों को भोजन करवाता था, गौ माताओं के लिए जल की चारे की व्यवस्था करवाता था, जो पेड़ पौधे लगाता था, परंतु चला गया, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो हम क्या याद कर रहे हैं? उस व्यक्ति के अच्छे कर्म। और कोई व्यक्ति, अरे वो तो सबसे लड़ता था, तो हम क्या बोलेंगे? यार लड़ाकू था इसलिए चला गया। तो हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। और जो भागवत महापुराण है, ये भागवत महापुराण का काम क्या है? ये भक्त को भगवान से जोड़ती है। जिस तरह हम एक चीज सीढ़ी है, सीढ़ी जमीन से हमें आसमान को, छत को जोड़ती है, उसी प्रकार संत और भागवत ये दो चीज हमें भगवान से जोड़ती है। भागवत महापुराण की जय।